आज का भी ऐसा ही मौसम हो रखा है पूरा बारिश वाला। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का मौसम भी पूरा एकदम बारिश जैसा हो रखा है। हालांकि बारिश नहीं हुई, रात में ही बंद हो गई थी और कल तो बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश हुई थी। अभी मेरे को थोड़ा बाजार जाना है क्योंकि लंच टाइम हुआ है, कुछ सामान ला के देना है। और फिर से आज जो है गोंद के लड्डू बन रहे हैं, मेरे लिए नहीं जो हमारे दुकान में अंकल रहते हैं ना उनके लिए। टमाटर 1 किलो टमाटर, थोड़ी सी अदरक ली, अदरक और धनिया, टमाटर और भूल गया मैं भूल जाता हूँ भाई मैं दोबारा बता दो। 1 किलो टमाटर, हरे धनिया और अदरक, और रस्ते में भूल गया तो तब क्या करूँ, भूल गया तो लिख लेता हूँ बेटा। लिखे कौन के सामान? ए मम्मी गुस्सा मत करो यार, ये देखो लिख रखा है सामान मैंने पूरा। केजी टमाटर ना, टमाटर 1 किलो, अदरक लेनी है ना? अदरक को लेनी घोड़ा सामान जो है लिख लिया है। अरे बहुत मजाक करते हो मम्मी से, तो चले जाना है तो हम भी चलते हैं बाहर, बाइक लेके जाना पड़ेगा यार। मैं सोच रहा हूँ ना वो ले लूँ, ग्लव्स ले लूँ, हालत खराब हो जानी है। क्या मम्मी चाय देखोगे? लाओ जी। ऑल सेट, अभी चलते हैं। जा तो ऐसे रहा हूँ जैसे कोई बहुत बड़ी राइड पे जा रहा हूँ, है तो 2-4 किलोमीटर लेकिन सेफ्टी जरूरी है वरना बीमार हो जाएंगे। हाय हाय, जबरदस्त वाली सर्दी हो रखी है यार। ओहो, और पूरा ना धुंध वाला माहौल हो रखा है पूरा। आगे ठंडी हवा लग रही है ना, पूछो ही मत यार। इधर से मैं गलत आ गया, ये देखो कितना पानी भरा हुआ है। रात में तो ये हाल था कि पूरा आ रखा था पानी, अभी तो क्या है थोड़ा सूख भी गया है और इधर उधर हो गया है। ओ जोरदार तरीके से भरा हुआ है। भाई साहब बच गए, अभी गोते खा लेते इसमें, बुरा हाल हो रखा है। मतलब बारिश ऐसी हुई है ना जैसे पूरा सावन में बारिश होती है ना मानसून में वैसे। वाह यार, ये भी साइकिल होती थी किसी जमाने की, हिट साइकिल एटलस, अभी भी है इस जैसी साइकिल नहीं आई कभी। अब तो बहुत आ गई है, मोटे टायरों की अलग, पतले टायरों की अलग, पहले कुछ नहीं होता था, पहले एक ही साइकिल होती थी एटलस जिंदाबाद। 10वीं क्लास में बड़ी मुश्किल से पापा को कन्विंस किया था लादो लादो, उन्होंने रेंजर ला के दी मुझे, लेकिन वो टाइम ही अलग। चलो भाई आ गए हैं हम घंटाघर। नमस्ते, बढ़िया। एक सामान है, खाट तो 4 किलो, गोंद 1 किलो और 50 ग्राम इलायची का दाना, इलायची दाना 50 ग्राम, 1947। भाई तू मत मार दियो वरना बचेंगे नहीं सर्दी में। चल जा भाई चल जा, तुमसे कौन पंगा लेगा। यार कितने सांड घूम रहे हैं, आवारा सांड यहाँ। टूट के मजे तो भाई वही थे जहाँ वो सफारी करते हैं ना चूरू में, वहाँ पर। और अंकल सुनाओ क्या हाल चाल? ठीक है, एकदम टेंट वेंट हो गए, बाबू बन के बैठे हुए हैं, क्या बात है। तनवीर एक थर का कुछ बन रहे आई आई स्माइल। तनवीर ही हो, क्या हो? गैस सिलेंडर ले जाके दिए तो तनवीर को नहीं
दामन को मेरे चेहरे जुट्टा स्माइल देखो भाई स्माइल। पिछली सर्दी में क्या बनाई दिया तो पिछली सर्दी में क्या बनाई दिया तो गोंदी बनाई वो तो अब क्या बनाएगो अब भी गोंदी बन रहे हैं। पिछली सर्दी में भी अंकल को गोंद के लड्डू बना के दिए थे और इस सर्दी में भी पापा इनको बना के दे रहे हैं तो मौज हो गई। मन में लड्डू फूटा एक नहीं दो वो भी गूंद का। खैर हमारे मस्त अंकल है। अंकल सर्दियों में कुछ खाओगे तभी तो एनर्जी आएगी ना शरीर में है ना। थोड़े दिन पहले मेरे को बना के दिया है अब आपको बना के दे रहे हैं जरूरी है ना भाई। सही है लेकिन बहुत मस्त अंकल है हमारे मस्त एकदम मस्त बोला। चलो बनाते हैं आपके लड्डू पापा की हेल्प करता हूँ ठीक है। लो भाई पापा ने शुरुआत कर दी है एक बार और